Hello everyone, welcome to another video. So आज देखते हैं कि चेक में जो रिव्यू मिलते हैं, जो बैजेस मिलते हैं, उनका क्या मतलब होता है। मान लीजिए किसी को रेड बैज मिल गया तो क्या मतलब है इसका, किसी को ग्रीन मिला तो किसी को येलो मिला। तीन बैज होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। चलो देखते हैं, जाते सीधे आंसर्स पे जाते हैं। ये होम एंड देन द आंसर, माय आंसर। अब देखता हूँ मुझे कितनी रेटिंग मिली है। नीचे गया, ये देखिए मुझे येलो भी मिला है, ग्रीन भी मिला है, ये चेक रेटिंग बैजेस मिले ना, येलो, ग्रीन एंड क्या मुझे रेड भी मिला है, देखता हूँ। रेड रेड यस रेड भी है, ये देखिए रेड भी मिला है। इनका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है नाइस, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है, ग्रेट गोइंग, योर आंसर इज ऑसम। देख रहे हो, अभी मैं इसको बस जो लिखा रहा है वो पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब बताऊंगा बाकी आप बाद में। ये देखिए, ओप्स योर आंसर इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड चेक गार्डन। चलिए पहले देखते हैं ग्रीन का क्या मतलब है, आंसर में जाते हैं, फीडबैक पढ़ते हैं। ये देखिए फीडबैक में क्या है, एक्यूरेसी, एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, आंसर गार्डन, इन सभी में मुझे देखो आउट ऑफ फाइव इन फोर में मुझे फाइव रेटिंग मिली है। सब में रेटिंग फाइव फाइव फाइव, इसमें सिर्फ वन रेटिंग मिली है। ऑल ओवर मेरा जो आंसर है वो बेस्ट है। ये देखिए, मैथ इन टेक्स्ट एंड इक्वेशन रेंडर टूल्स हैव नॉट बीन यूज प्रॉपरली। तो इसने जो इस क्वेश्चन में मैंने मैथ इन टेक्स्ट टूल यूज नहीं किया था, इक्वेशन जो इक्वेशन से लिखते हैं वो वाला टूल नहीं यूज किया इक्वेशन रेंडर, इसलिए उसने मेरी ये रेटिंग काट ली। तो मतलब चेक टू पॉइंट टू में ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर टूल्स का यूज करेंगे तभी आपको जो है अच्छी रेटिंग मिलेगी। ठीक है, मतलब इसमें भाई बाकी सारी चीज़ें मेरी ठीक थी, आंसर मेरा सही था, एक्सप्लेनेशन सही थी, कंसेप्ट भी सही था, तो ये जो टूल्स हैं ये कुछ कर नहीं पाए, मतलब ऑल ओवर मेरा अच्छा गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं येलो, येलो का क्या मतलब है, येलो पर आते हैं, जाते हैं फीडबैक देखते हैं। इसमें क्या था, येलो में सारी चीज़ें एवरेज हैं, एक्यूरेसी, एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें एवरेज हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्या था, तीन पार्ट पूछे गए थे, इसमें से मेरा एक पार्ट मिसिंग हो गया था, गलत हो गया था, उस चक्कर में जो जो ये जो कंसेप्ट है या एक्यूरेसी, इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिले या पूरे जो रेटिंग नहीं मिली, इसलिए ये येलो मिला है। लेकिन हाँ, ये भी एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम होती है रेड में, रेड में, रेड में आते हैं, क्या मतलब है रेड का, रेड में चलते हैं। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, इसके रिव्यू में गया, रेटिंग में, फीडबैक में देखते हैं क्या लिखा है। फीडबैक में लिखा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मैंने एक साइन जो थे, साइन कन्वर्सेशन, वो बिना एक्सप्लेन किए ले लिए थे, और यहाँ इतना ही नहीं, एक्सप्लेनेशन मेरी बहुत कम थी, और एक्यूरेसी भी शायद जो मेरा फाइनल आंसर था वो करेक्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कम रेटिंग दी है। तो आंसर गाइडलाइन ठीक थी, कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो ठीक से नहीं आया होगा, इसलिए मुझे इसमें रेड मिला। अब इनका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, सिंपल भाषा में जानते हैं इनका मतलब क्या। इनका मतलब देखिए ये है कि अगर मेरे को ग्रीन मिलता है तो ये ग्रेट है, इसके मुझे सारे के सारे जो अमाउंट है वो मिलेगा, ठीक है, इसके पैसे मुझे मिलेंगे। येलो है तो मतलब ये चल जाएगा काम, इतना अच्छा भी नहीं था, ख़राब भी नहीं था, पर इसके पैसे मुझे मिलेंगे। अगर आपको रेड मिल जाता है, अगर आपको रेड मिल जाता है तो ये एक प्रॉब्लम है, ये जो रेटिंग है इस वजह से जो आपका जो पैसे हैं इसको मिलने इस क्वेश्चन के वो नहीं मिलेंगे। तो जितनी भी रेटिंग होती है रेड वाली, रेड ब्रिज वाली, उसके पैसे आपको नहीं मिलते। हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रेड आता है आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, येलो आता है आने तो प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है, बस आपको पैसे नहीं मिलेंगे तब, इस सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप रखें इस बात का ख्याल रखें,
कि रेटिंग आपको सही मिलती है, किस तरह से रेटिंग सही मिलेगी हमको, कैसे रेटिंग अच्छा करें, तो बस इन 5 चीज़ों का याद ध्यान रखें। एक्यूरेसी मतलब सही हो आंसर आप, एक्सप्लेनेशन खूब भर भर के दें एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट आपका सही हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर आपको बताया था एक वीडियो है डिटेल वाली मेरी चेक 2.0 ट्रेनिंग, उसमें स्ट्रक्चर भी है कैसे स्ट्रक्चर ठीक करें, आंसरिंग गाइडलाइंस का ध्यान रखें, आपका ऑटोमेटिकली आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो स्टूडेंट रेटिंग होती है इसका क्या मतलब है। चेक रेटिंग तो हो गई, वो हम बैच मिलते हैं वो रिव्यू लेते हैं क्वेश्चन का, स्टूडेंट रेटिंग का क्या मतलब है। स्टूडेंट रेटिंग का देखो ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है, रेटिंग का सीएफ स्कोर आपका इस पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट रेटिंग पर या फिर इस पर करता है, तो मेनली आपका इस पर करता है। स्टूडेंट रेटिंग से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए, अच्छा दीजिए, आपका आंसर सही है तो स्टूडेंट के थम्स अप या थम्स डाउन करने से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। ठीक है, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको अच्छे समझ आया हो चेक रेटिंग होती क्या है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू एंड